बहुत सुंदर है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है 17 जुलाई और आज है मुहर्रम, जिसकी वजह से धनु की भी छुट्टी है, सबकी छुट्टी, बस पतिदेव जी की छुट्टी नहीं है। उनको हॉलीडेज कम मिलते हैं उनके ऑफिस में, तो ऐसे मैनेज करना होता है, तो उनको ऑफिस जाना है। तो अभी मॉर्निंग में मैं उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ कटहल की सब्ज़ी उबालने के लिए रखा है, दूध रखा है धनु के लिए, एंड तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है गाइज? सो गाइज, तो चाय वगैरह हमने पी लिया, फिर रोटी बनाई मैं, और उसके बाद ये कटहल की सब्ज़ी। यस, कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। और आज सिर्फ और सिर्फ पतिदेव जी को ऑफिस जाना था और किसी को नहीं। और पता है क्या, जब 2 दिन हो जाते हैं ना, आजकल मेरा माइंड जो सेट नहीं रह रहा है, मतलब 2 दिन में ये चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ कि कब क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या किया था, सब कुछ भूल जा रही हूँ। ऐसे ब्लॉग अगर 2 दिन बाद अगर मैं एडिट करूँ ना, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मैंने क्या बोला था। मुझे हर एक चीज़ प्रॉपर चीज़ें जो होती हैं वो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और ऐसा होता है क्या। और मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइम के साथ ना हमारा मेमोरी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। लगता है मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा मेमोरी जो है वो कम होगा। वैसे भी लोग कमेंट करते ही हैं, बुढ़ी हो गई हो, चलो ठीक है, बुढ़ापे में ही सब कर लेते हैं। कोई नहीं, ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मस्त होंगे। यस, आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल ब्लॉग है। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसा कि मैं रोज़ रोज़ बोलती रहती हूँ आप लोगों से कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। अभी मुझे ट्राईपोड भी ढूंढना, पता नहीं मेरा ट्राईपोड कहाँ चला जाता है। एक तो टूट गया और दूसरा वाला मेरा मिल ही नहीं रहा कि कहाँ है। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, जो मेरा मिल रहा है वो टूट गया है, वो वाला मिल रहा है, ये वाला क्या करूँगी मैं इसका, समझ आ रहा है ना। चलिए, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो मैं आपको बता दूँ। आप लोग को पता है ना, पूरे 1 महीने में कितना परेशान रही हूँ, मैंने कितना ट्रैवल किया है, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, ऐसे वैसे, ये वो, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि इन सारे चक्कर में मैंने अपना स्किन केयर किया ही नहीं, बिल्कुल मेरा स्किन जो है बिल्कुल ड्राई रफ़, मतलब कि इतने सारे दाग धब्बे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि खुद का ही चेहरा देख के ऐसा लग रहा था यार कैसा हो गया, बिल्कुल केयर नहीं कर पा रहे थे। वो तो पार्टी फंक्शन थे, मेकअप करके और मेकअप से हाइड हो जाते थे, चलो बच जाते हैं। बट अभी देखो, अभी मेरा फेस जो है पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कैसे ठीक हुआ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने अपने ये जो फेस है कैसे क्लीन किया, स्पॉटलेस कैसे किया, इतना मतलब कि क्लीन कैसे लग रहा है। और बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि दी आप अपने स्पॉटलेस स्किन का राज बताइए कि कैसे इतना अच्छा लगता है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, सिंपल प्लेन पानी से अपना फेस जो है मैंने अभी वॉश कर लिया है, एंड अभी मैं यूज करूँगी हिमालया का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। मतलब ये आपके फेस पे ना अमेजिंग, बिल्कुल बहुत अच्छे से वर्क करता है, जो आपके फेस पे दाग धब्बे ब्लेमिशेस है उनको क्लीन करता है, फेड करता है, हटाता है। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो सीरम है आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट है उसे कम करता है, एंड जो डल स्किन है उसको ठीक करता है, उसे रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ एक अच्छा सा ग्लो देता है आपके फेस पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मेन रीज़न है कि इसमें जो टर्मरिक यूज किया गया 100% जो कि ऑर्गेनिक है, इसके वजह से आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। इस सीरम को अपने फेस पे 2 से 3 ड्रॉप्स लेके ऐसे फेस पे लगाने हैं, एंड इसको सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करने हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब तक जब तक आपके स्किन में ये सीरम अब्सॉर्ब ना हो ये जाए। ये सीरम बहुत जल्दी वर्क करता है, इसका रिजल्ट आपको 1 वीक में ही विजिबल होने लग जाएगा। दिस सीरम इज मेड विद सरसा कोल्ड प्रेस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी डेट हेल्प टू रिटेन टर्मरिक एक्टिव टू इट्स फुल पोटेंशियल। सो गाइज, मेरे स्किन केयर रूटीन में अब ये सीरम जरूर यूज होता है, उसमें जरूर शामिल रहता है। इसका रीज़न ये भी है कि ये जो बना हुआ है वो 100% ऑर्गेनिक यानी कि हल्दी से बना हुआ है, और हल्दी जो है हमारे त्वचा को बहुत अच्छे से निखारता है, एंड जो दाग धब्बे होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, स्पॉट होते हैं, उन्हें भी हटाता है। इसी के साथ इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 2% नियासिनेमाइड है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है, जो हमारे इस पे दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस है, वो बिल्कुल हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल स्पॉटलेस हो, ब्लेमिशेस हट जाए, कम हो जाए, फेड पड़ जाए, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। इस सीरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इसे दिन में 2 बार लगाती हूँ, जिससे मुझे फ़र्क दिखा, आप लोगों को भी ये फ़र्क दिख रहा होगा। ये जो सीरम है ये टोटली बेस्ड है नेचर एंड साइंस पे, बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड एंड नियासिनेमाइड और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है। ये सीरम अगर आपको चाहिए तो अमेजन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, इसके अलावा हिमालय के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज ही आप चेकआउट करते हैं तो आप
आपको 30% का ऑफ भी मिल जाएगा। अब फटाफट से मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ और उसके बाद मुझे कुछ कोलैबोरेशन करने हैं, वीडियोस बनाने हैं, वो मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, तो ये रात का टाइम है, सबने खाना वाना खा लिया है और अब सोने जाने का टाइम है, लेकिन तनु बोलें कि उनको खाना है, तो मैं एक पराठा एक रोटी जो है उसको सेक के उसमें घी लगा के नमक लगा के दूंगी, तो वो खा लेंगे। खुद से नहीं खाते, मतलब उनसे छोटे बच्चे सारे खुद से खा लेते हैं, जैसे कि हमारी धनवी है और मेरी भी वहाँ पे भतीजी है, उसको भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ हाथ लगाएगी ऐसे खाने की कोशिश करेगी, खाए या ना खाए, लेकिन ये नहीं खाते हैं। उनको शुरू से ही ऐसी आदत पड़ गई, डाल दिया इनकी दादी ने स्पेशली और ये सब आदतें कि बस खिलाओ ऐसे करो, तो बस वही मैं यहाँ पर उनके लिए रोटी सेक रही थी और मैं पापा जी के लिए दूध लेके जा रही हूँ, उनको दूध दे दूँगी, वो अपना पी लेंगे, उसको धनु को खिला के तब मैं सोने जाऊँगी। सो गाइस, तो मॉर्निंग का भी टाइम है और धनु का लंच मैंने तैयार कर लिया, आटा वगैरह गूंद लिया है, पनीर निकाल कर रखा, पनीर का पराठा बनाना है और मैं अपनी चाय पीने आई हूँ। चीयर्स। गुड लेने का मन नहीं कर रहा अभी, और साथ में पति देव जी का भी चाय लाई हूँ, उनको मैंने फ़ोन कर दिया अभी आ रहे होंगे। मेरा शुरू से ये नियम है, मतलब मैंने इनको हमेशा बेड पर ही चाय दिया है, शायद ही कभी हो किसी वजह से किसी दिन ये उठे हो, नहीं वो भी नहीं, मतलब मैं ही इनको उठती हूँ, इनको चाय देती हूँ, अभी उठते हैं, जैसे अभी ऊपर है ना तो फ़ोन करते तो उनको नीचे आना पड़ता है, नहीं तो चाय ले जाकर सीधे बेड पे उठाती थी जब नीचे हम रहते थे। और अभी जो है धनु को स्कूल जाना है, ब्लॉग कल दिन में कंटिन्यू नहीं किया है तो मैं सोचा कंटिन्यू करती हूँ, मैं धनु को उठाऊँ, लंच वंच पैक करती हूँ ना, सब कुछ इधर से फ्री हो जाती हूँ तब धनु को उठाती हूँ, उठा के 10 मिनट उनको रेडी करके रख देती हूँ। सो गाइस, तो मेरी दशा कैसी लग रही है? दशा भी दशा लग रही है। और पतिदेव जी बोले हैं कि आप ऊपर वाले जब फ्लोर पर जाओगे तो देखना आपके लिए सरप्राइज है, देखती हूँ जरा क्या सरप्राइज है, कुछ समझ भी आएगा कि नहीं, कुछ ना सरप्राइज है, ऐसा क्यों है, मुझे क्या पता क्यों है, मुझे तो नहीं देगा कुछ भी सरप्राइज, एक मिनट का परेशान करते हैं, सरप्राइज है सब कुछ, तो ऐसे ही ऊपर से और एक एक्स्ट्रा सामान रख दिया यहाँ पे, शर्ट पैंट निकाल के, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, वीडियो लाइव किया जाए, उसके बाद आप लोग से बात किया जाए। नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अजीब सा हो गया है, पेट में भी अजीब सा हो रहा है और मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। ओके, मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिखा, जब फ़ोन करेंगे तब दिखेगा सर, ये कौन सा सरप्राइज है कि मुझे दिखा ही नहीं। और यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू और पोछा, और मंदिर जो है ना तो अभी पापा जी पूजा करने आएंगे तो उससे पहले लगाना था। अभी आज जो है मम्मी गई है टेस्ट के लिए, उनको ब्लड टेस्ट करवाना है बिकॉज उनको थोड़ा सा थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो रूटीन टेस्ट होता है ना वो होता रहता है, तो उसी के लिए वो गई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, यार एक दुख, एक इतना बड़ा दुख है ना कि एक दिन आप लोगों ने ऑन कैमरा पूजा को भी देखा होगा, मतलब मेरी भाभी को भी, वो दुख जाहिर करते हुए मेरे व्लॉग में, वो वाला दुख आज मेरे साथ फिर से हुआ, हमेशा ही होता है, अब तो थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। वो ये कि हमने कैमरा जो है वो सेट कर दिया, हम अपना काम कर रहे हैं और कैमरा जो होता है वो ऑन ही नहीं होता है, ऐसा होता है क्या जो लोग वीडियोस बनाते हैं, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ। जब मैंने झाड़ू लगा लिया तो उसके बाद मैं गई पोछा लगाने के लिए, और जब मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने कैमरा ऑन करके मंदिर में रखा हुआ था, लेकिन आपको पता है क्या, जब मैंने सब कुछ झाड़ू पोछा लगा लिया, सब कुछ ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैं गई और मैंने कैमरा ऑन की सॉरी मैंने अपना फ़ोन उठाया, तब मैं देखती हूँ कि जो मेरा कैमरा है वो ऑन ही नहीं था, एक फ़ोटो क्लिक मतलब फ़ोटो क्लिक किया ऐसी हो गया, तो कुछ ऐसे नहीं हो जाता स्क्रीनशॉट टाइप का, ऐसा कुछ हुआ था, मैंने उसका जगह वहाँ से चेंज किया था ना, इसकी वजह से वो ऐसा हो गया था। अच्छा, ये ऐसा बोला जाता है कि झाड़ू कभी भी लगाओ ना तो झाड़ू लगा के और चीज़ों को ना ऐसे बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर ऐसे कर देना चाहिए, अंदर की तरफ ला के नहीं उठाना चाहिए, ऐसे इस तरीके से करना चाहिए। क्या बड़े बुजुर्ग आपके भी ऐसे कहते हैं? ऐसा मानना है कि मतलब जो गंदगी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ, तो उन सब चीज़ों को ऐसे झाड़ू लगा के ऐसे बाहर कर देना चाहिए अपने घर से। फिर जब मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने इस साइड से उस टाइम कैमरा ऑन किया हुआ था, ठीक है, और मैं इधर पोछा लगा रही थी, और जब मैंने दूसरी साइड रखा कैमरा, इधर ला के मैं रखी थी, उसके बाद आप देखना कि रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन क्या रिकॉर्ड हुआ है, कैसे बंद हुआ है, कुछ पता ही नहीं चला है कि आप देखो यहाँ पे नीचे का जो ऐसी जो फ्लोर है ना वो थोड़ा सा ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब पहले तो गुस्सा है फिर मुझे हंसी है कि यही होता रहता है हमेशा मेरे साथ। ओके, सो
सो गाइस फाइनली मिल गया, ये है वो ज्वेलरी, इतनी प्यारी ज्वेलरी है ना, नेक पीस। तो आप देखोगे आपका तो दिल खुश हो जाएगा। वैसे आपको पता है क्या, मैं एक बार ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा एक सेट चाहिए था गले का। सोचो हमें जो चाहिए होता है और वो अचानक से हमें मिल जाता है, हमें कितनी खुशी होती है। ये देखो इतना प्यारा है ना ये, मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसे टाइप का जो है नेकलेस पहनूं, और ये मुझे मिल गया। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। और ये गिफ्ट जो है मुझे इंस्टाग्राम से किसी ने भेजा हुआ है, कब से उन्होंने भेजा हुआ है मैं उनका कोलैब नहीं कर पा रही थी। बहुत ही प्यारे, इसके साथ ईयर रिंग्स भी है, बहुत ही सुंदर है, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए थैंक यू। आप लोग कैसा लगा डिजाइन जरूर बताना, बहुत सुंदर है। आजकल गोल्ड की जगह आप लोग ये खरीद लो, ये पहन लो, किसी को नहीं पता चल रहा हमारा जो गोल्ड है वो भी इसी में सना आ जाता है। पता ही चलता गोल्ड पहना है या आर्टिफिशियल पहना है। सुबह से सोचते सोचते शाम के बजा दिए 6, और अभी भी मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है क्या कि यार ऐसे कंडीशन हो जाती है अंदर से कि बस जिसके बिना काम नहीं चल सकता बस वही कर सकते हैं। मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है, ब्लॉग बिना काम नहीं चल सकता, फिर भी मैंने ये ब्लॉग शूट कर रही, बाकी सारा जो भी है। ये इस बेड के लिए आप कह रहे थे, इसमें अभी गोल्डन स्ट्रिप लगेगा और पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा। और ये कलर को सबने बहुत पसंद किया, सो थैंक यू सो मच, हमने इससे मैच किया है इसको। और पीछे आप देखो वॉलपेपर जो है लग गया पूरे में कंप्लीट, पहले नहीं था ये पूरे में कंप्लीट, तो अब लग गया है। और अभी मैं आपको सोफ़ा दिखा रही हूँ, उसके बारे में पता है क्या, रोज़ बोलती हूँ मैं आप लोगों से कोलाब्रेशन की चीज़ें पड़ी है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा। देखो मेरा जूड़ा खुल गया। आप लोग इस सोफ़ा के बारे में कह रहे थे ना, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो हाँ जी मुझे भी बहुत सुंदर बहुत प्यारा लगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दी कलर जो है थोड़ा लाइट है, तो हमें लाइट ही रखना था। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि इस पे जो हम डालेंगे, मैं सब बैठ के वीडियो हूँ, क्या आनंद आ रहा है बैठने में, देखो ऐसे बैठ सकते हैं। तो इस पे जो है ना कलर हमें जो इसका कवर होता है वो लेना है, और ये जो कुशन देख रहे हैं, कुछ लोगों को कुशन नहीं पसंद आया था, तो ये कुशन ये ऐसे रहेगा। अभी इसके आगे एक जो छोटा वाला कुशन आता है ना छोटे साइज में, वो मैं लेके आऊँगी थोड़ा अलग डिज़ाइन का, जो भी जैसा आएगा थोड़ा कलरफुल, जो कि इस पर खिलके आए, तो वो सारी चीज़ें, तब जाके आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा सोफ़ा। और हमें दो यहाँ पे चेयर भी बनवानी है अभी इसके साथ ही, वो भी गए हुए थे, पता नहीं मुहर्रम था क्या था, कोई उनका त्यौहार वगैरह कुछ चल रहा था इस वजह से, तो अभी नहीं है, अभी आएंगे राशिद भैया तो वो करेंगे। दो चेयर जो हमें यहाँ लगवाएंगे वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कैसा डिज़ाइन है, तो वो बनवानी है, उसके बाद आपको पता चलेगा। एंड बाकी सारी चीज़ें जो धीरे धीरे हो गई हैं, जो तीनों रूम का जो बेड बना हुआ है ना उसका जो गद्दा होता है वो लाना है, तभी सैटरडे तक वो लगता है, कभी देखेंगे चूज़ करेंगे कैसा क्या आएगा, ऑनलाइन लाते हैं कि ऑफलाइन लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, और उसके बाद जब लगाएंगे तब पता चलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखो मेरी स्किन थोड़ी ठीक लग रही है ना पहले से, स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। बस हल्का सा लिपस्टिक लगा के मैं घूम रही थी कि मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, वीडियो शूट कर लूँ, कि नहीं कर पा रही थी। और मैं ना अपने एसिडिटी से परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा एसिडिटी ने मुझे इतना ज़्यादा सुबह से परेशान कर दिया कि मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब इतना चक्कर कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। नाश्ता जो है मुझसे भूख नहीं लगी बिल्कुल भी, खाने की इच्छा नहीं, पेट में बहुत अजीब सा हो गया था। तो 2 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया है। लोग कहते हैं अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम तो जल्दी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो मुझसे खाई नहीं जाती, ये कहाँ से घुस गया। आप लोग की तरफ बारिश हुई है, इधर बारिश हुई है आज थर्सडे को, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और पूरा एकदम कचर कचर सा हो गया, ये मक्खी इसलिए उधर से आके घुस गई होगी। तो एसिडिटी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है दिमाग पे चढ़ गया है, और जब दिमाग पे चढ़ जाता है फिर सर दर्द होने लगता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और मम्मी पकौड़े बनाने के लिए कह रही थी, मेरा खाने का तो बिल्कुल मन नहीं किया, सोचती हूँ ठीक है देखती हूँ क्या करती हूँ। मैं अभी ऊपर आई कि अभी कोलाब्रेशन का तो मैं कही थी, एक मेरे पास नेकलेस है और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, अभी मैं उसे ढूंढती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल गोल्ड के जैसा है, मुझे मिल रहा है उनका वो प्रमोशन करना है, कब से रखा हुआ। इंस्टाग्राम पर कोई प्रमोशन ना कर रही हूँ ना ले रही हूँ,
बट अब मुझे एक्टिव होना होगा क्योंकि ऐसे कब तक काम चलेगा, है ना। वो जो एक होता है ना कि बॉडी से मतलब मैं अंदर से फिट फील करना, वो नहीं हो पा रहा। वो होता है ना इंसान जोश जोश में आके और चीज़ें करता है, बहुत सारी साड़ियाँ कपड़े इकट्ठे हैं जिसका मैं रील्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन कोई नहीं देखते हैं। और बाकी घर की तो आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की है तो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ, स्किन केयर के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हेल्दी स्किन हमारा ना तब सबसे ज़्यादा होता है जब हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जब हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होती है, जो कि हमने ट्रैवल में किया था। मतलब डाइट भी अच्छे से नहीं ले पा रही थी, पानी भी पूरा प्रॉपर नहीं ले पा रही थी, इसकी वजह से ना स्किन जो हमारा ड्राई हो जा रहा था। भावना से मेकअप कर रही थी, कह रही थी कि दी आपका जो स्किन है ना बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो गया है। तो मैंने वही बोला कि ठीक है अब केयर करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, इतना भाग दौड़ी हो गया था। मतलब कभी कभी होता है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि घर में ही रह रहे बोर हो जाओ, कभी कभी इतना ज़्यादा काम आ जाता है। खैर छोड़िए, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। बस यही बातें करनी थी अपने घर के इस सारी चीज़ों के बारे में एंड स्किन केयर के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।